हाय, दिस इज शुभम। वेलकम टू माय चैनल पाइथन विद शुभम। तो यार, आज की वीडियो में ना हम पाइथन के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मतलब यूज़र इनपुट फंक्शंस होते हैं, जैसे यार ठीक है, तो यार इसमें जैसे चार फंक्शन होते हैं, जैसे इनपुट है, एक इंट है, फ्लोट है, इवेल है, ठीक है। तो यार तो उसमें ना ये फंक्शन यूज़ क्यों होते हैं, जैसे यार हमको कुछ यूज़र की तरफ से कुछ इनपुट देना है तो इन फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है जैसे इनपुट वाला जो पहला फंक्शन है इनपुट, इनपुट का वर्क टू गिव इनपुट फ्रॉम यूजर। हमारे थ्रू कोई हमें फंक्शन देना है, जैसे यार एक तो हम डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर अपनी वैल्यू दे सकते हैं, एक होती है प्रोग्राम के बाहर से हम अपने यूज़र के थ्रू देते हैं। जैसे ठीक है, कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं, रन करने के बाद हम अपनी वैल्यू अपनी तरफ से देते हैं ना, इस टाइप से कुछ। तो यार पहला जो फंक्शन होता है ना तो वो है इनपुट। इनपुट के अंदर करते हैं, जैसे हमने अपना प्रोग्राम बनाया तो यार उसमें ना कोई वैल्यू हमें इनपुट करनी है बाद में, ठीक है। तो उसके लिए यार इनपुट यूज़ कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने है ना, और जैसे मैंने यार इसमें एग्जांपल दिया ना, ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू, ठीक है, और बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर वैल्यू, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर है, सिंगल कोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगी। तो जब इसको हमने ए और बी प्लस ए प्रिंट ए प्लस बी करा, ठीक है, तो हमने जब रन किया, रन करने के बाद ही हमसे पूछेगा एंटर योर एंटर वैल्यू फर्स्ट, उसमें हमने एंटर कर दी 10, एंटर वैल्यू उसमें 20। तो जब यार हम उसको प्रिंट, जब ये एंटर करने के बाद प्रिंट हुआ ना, तो ये 10 20 इस टाइप से हुआ, क्योंकि जो हमने वैल्यू दिया ना, वो जो इनपुट करी है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट हुई है ना। इसकी वजह से स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो यार दोनों स्ट्रिंग ऐड होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें 10 और 20 ऐड हो गई। अब यार उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन है ना इंट। अब यार इंट है ना, अब जैसे हमने कोई इनपुट दिया तो हम उसको अपने इंटीजर के फॉर्म में देना चाहते हैं। अब जैसे हम जैसे सेम एग्जांपल लिया था 10 और 20 वाला, हम भाई उसको इंटीजर के फॉर्म में देना चाहते हैं, इसलिए हमने इंट लगा दिया, इनपुट एंटर वैल्यू। तो हमने अपनी पहली वैल्यू दी 10, वैल्यू 2 दी 20। जब हमने एंटर मारा तो यार वो 30 हो गया, क्योंकि भाई हमने इंटीजर के फॉर्म में दिया, इंटीजर के फॉर्म में दोनों प्लस हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्लोट। फ्लोट के अंदर ये सेम, ये फ्लोट और इंटीजर सेम फंक्शन होते हैं, बट फ्लोट में हम ऐसा होता है कि हम पॉइंट वैल्यू को दे सकते हैं, पॉइंट वैल्यू देते हैं तो वो भी प्लस हो जाती है, लेकिन इंटीजर में फ्लोट वैल्यू एरर दे देती है। अब इसको मैं एक्सप्लेन उसमें करूँगा जब प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद आते हैं इवेल। इवेल भी सेम वही फंक्शन काम करता है, बट इवेल के अंदर यार एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, इसमें बाइनरी फॉर्म भी दे सकते हैं। ये जो मैंने 10 की बाइनरी फॉर्म दी है, जैसे ये 10 की बाइनरी फॉर्म है, ठीक है, ये दिया है, इसलिए उसने 30 दे दिया उनमें फंक्शन, ठीक है। अब इसको हम, तो यार आज की वीडियो में ना हम पाइथन के कुछ, तो हम यार इसे ना प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो यार उसके लिए पहले मैं इनपुट फंक्शन देता हूँ। इनपुट के लिए मैं अपना एक प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, इनपुट एंटर, इनपुट एंटर, ठीक है। तो एंटर 1 कर देता हूँ, जैसे 1 वैल्यू, उसके बाद एंटर 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब हम इसको रन करेंगे ना, ठीक है, अब जब हमने जैसे इसको करा रन, तो इसने पूछा, इसने यहाँ पे लिखा गया ना एंटर 1, एंटर 1 की में हम अपने वैल्यू दे दी 10, एंटर 2, एंटर 2 में दे दी मैं 20। तो इसने 10 और 20 को ऐड कराया, ठीक है। तो ये वर्क होता है इसमें इनपुट का। जैसे भाई हमने जो इनपुट दिया है ना, सेम वो वर्क है। जैसे भाई मैंने इसमें इनपुट दिया है ना, इनपुट एंटर 1 और इनपुट एंटर 2, तो ये हम वैल्यू हम बाद में देंगे, हमारे यूज़र के थ्रू जाती है वैल्यू, ठीक है। और इसमें एंटर 1 में हमने 10 डाला था, एंटर 2 में 20 डाला, तो उसने 10 और 20 को ऐड कर दिया, क्योंकि भाई हमने जो वैल्यू दी है स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब इसी के साथ अब दूसरा फंक्शन इसी के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यार वो दूसरे फंक्शन को देखते हैं। अब उसने सेम यही चीज़ बोली। अब भाई इसके अंदर ना हम इंट लगा देंगे, ठीक है, इसमें हम लोग इंट लगा देते हैं अपना। तो इंट लग गया, अब करते हैं रन। तो यार एक सेकेंड ये वाला डिलीट करता हूँ पहले। हाँ जी, तो इसमें भाई वो कह रहा है एंटर 1, एंटर 1 में हमने रखे 10, एंटर 10 में 20, तो इसने बोल दिया 30। भाई ये जो दिया है ना, ये हमने दिया है इंट के, मतलब इंटीजर के फॉर्म में, ये वैल्यू हमने जो इंट लगाया है ना, पहला तो फंक्शन इनपुट था। अब दूसरे फंक्शन की बात करिए इंट, अब हमने इंट इनपुट एंटर 1,
तो भाई एंटर वन पे 10 डाला, एंटर टू पे 20, तो दोनों मिला के 30 हो गया, ठीक है। लेकिन सिर्फ इनपुट इनपुट यूज़ किया, तो इनपुट में सिर्फ हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में गया था, ठीक है। तो यार इसमें ना सेम यही चीज़ ना, मैं एक बार आपको इस दूसरे फॉर्म से भी बता देता हूँ किस टाइप से जा सकता है, ठीक है। अब जैसे हो गया, अब मैं सेम यही फंक्शन, जैसे मैंने इंटीजर बोला है ना, एक सेकंड, अब मैंने जैसे इंटीजर बोला है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं ऐसा ऐसा कुछ और से लिख देता हूँ, इसने मेरे को एरर दिया, क्योंकि भाई मैंने इंट लगाया, इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू होती है ना कि कोई एनी अदर वैल्यू, ठीक है। तो जैसे अब ठीक है, अब इसने एरर दिया था क्योंकि भाई मैंने आगे अगर इंट लगाया ना, इंट का मतलब है इंटीजर की वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। इंट के साथ ही अब मैं इंट की जगह अब यूज़ करेंगे क्या, फ्लोट, ठीक है। अब आती है बात फ्लोट की, तो फ्लोट लिख देता हूँ। अब फ्लोट को रन करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने करा फ्लोट को रन, अब जैसे भाई देखो मैंने कहा था ना पॉइंट वैल्यू ऐड हो जाएंगे 10.5 टू 21, भाई दे दिया है ना, सही बात है। पर अगर ये ठीक है, अब इसको करके बता रहा हूँ, फ्लोट लगाया, फ्लोट वैल्यू में हमने पॉइंट वैल्यू दी थी, पॉइंट वैल्यू प्लस हो गई है ना। पर अगर उसी में अगर जैसे मैं आपको और बताता हूँ, जैसे फ्लोट तो मैंने बता दिया, एक बार फिर से इंट वाला बताता हूँ बस, कि जैसे इंट और फ्लोट में डिफरेंस क्या है। अब इसमें मैंने करा तो फ्लोट में तो पॉइंट वैल्यू प्लस हो चुकी थी, देख लिया है हमने, पर और इंट में इंट में पॉइंट वैल्यू ऐड होती है नहीं होती, 10.5 इसने दे दिया ना एरर, इसलिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारी क्या आती है, इसके बाद हमारी आती है एक लास्ट इवेल वाली वैल्यू, इवेल को यूज़ करके देख लेते हैं एक बार भाई। वो अभी यार एक बाइनरी फॉर्म भी होती है ना मैथ में, ऐसे कुछ चीज़ ऐड करते हैं, बाइनरी फॉर्म भी होती है, ठीक है। अब तो यार उसके लिए ना मैं जैसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 20 प्लस बाइनरी फॉर्म दे देता हूँ मैं एक, ये मैंने क्या लिखा है 0B1010, ये बाइनरी फॉर्म होती है किसकी, ये होती है 10 की बाइनरी फॉर्म, एंटर मारा 30, ठीक है। तो इसने इवेल का मतलब भाई इवेल के अंदर हम बाइनरी फॉर्म दे सकते हैं, पर ठीक है अगर ये बाइनरी फॉर्म किसी और में देते तो भाई वो रन नहीं करता, ठीक है। तो जैसे यार मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बताया। देखो सबसे पहले बताया था इनपुट, भाई इनपुट तो यार यूज़ करेंगे, कोई भी हमें वैल्यू यूज़र के थ्रू डालनी है प्रोग्राम के बाद में, ठीक है। तो उसके लिए हमने इनपुट यूज़ कर लिया। इंट यूज़ करेंगे अगर हमें भाई कोई वैल्यू हम भाई चंद जैसे इंटीजर में दे रहे हैं ना, तो उसके लिए हम इंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर अब उसके बाद आती है फ्लोट, फ्लोट वैल्यू हम देंगे जब हमको पॉइंट ऐड कराने पे, पॉइंट की वैल्यू को कुछ भी कराना हो, ऐड माइनस कुछ भी हो सकता है, वो तो फ्लोट की वैल्यू होती है तब, ठीक है। और इवेल का फॉर्म, इवेल के अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है कि उसमें हम बाइनरी फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वैसी। और बाइनरी के अंदर हम इंट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ करते हैं, फ्लोट के अंदर इंट भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्लोट के अंदर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर में सिर्फ इंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो हम यार इसे ना प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। तो यार उसके लिए पहले मैं इनपुट फंक्शन देता हूँ, ठीक है। इनपुट के लिए मैं